अक्षय कुमार, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, जिनकी सीरियस एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग के चलते उनकी मूवी रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। अक्षय एक ऐसे एक्टर हैं जो कि सोशल मैसेजेस और कॉमिक मूवीज के बलबूते पर लगातार हिट मूवीज देते आ रहे हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार और उनसे जुड़े हुए 25 अमेजिंग फैक्ट्स की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 में श्री हरिओम भाटिया के घर हुआ। उनके मॉम का नाम श्रीमती अरुणा भाटिया है। अक्षय के एक सिस्टर भी हैं जिनका नाम अलका भाटिया है। अक्षय के डैड श्री हरिओम भाटिया यूनाइटेड नेशन में अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे और उससे पहले उनके डैड एक आर्मी ऑफिसर थे। स्कूल में अक्षय सर का एक ग्रुप था जिसका नाम ब्लडी टेन था और उनकी इस गैंग का पूरे स्कूल में खौफ था। अक्षय पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे और एक बार उनके मार्क्स कम आने पर उनके डैड ने उनसे कहा कि अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो बड़े होकर क्या बनोगे। तो अक्षय ने कहा मैं एक्टर बनूंगा और उन्होंने अपनी इस बात को सच कर दिखाया। अक्षय कुमार का बचपन दिल्ली के चांदनी चौक में गुजरा और उस दौरान अक्षय चांदनी चौक से घड़ियां भी चुराया करते थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये काफी थ्रिलिंग है और ऐसा करने से उन्हें किक मिलती थी। अक्षय कुमार आज भी चांदनी चौक में अपने सिंगल बेडरूम वाले घर में भेद बदल कर जाते हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था और वो हमेशा अपनी रियल आइडेंटिटी से जुड़े रहना चाहते हैं। अक्षय कुमार एक बार डाकुओं के द्वारा भी लूटे गए थे। हुआ यूं, जब अक्षय कुमार एक बार कोलकाता से ढाका जा रहे थे तो उनकी ट्रेन में डाकू घुस गए और ट्रेन को पूरी तरह से लूट लिया और इस ट्रेन में बाकी पैसेंजर्स की तरह अक्षय कुमार को भी लूट लिया गया था। अक्षय ने 1987 में आज मूवी में एक मार्शल आर्टिस्ट का किरदार भी निभाया था। हालांकि इस मूवी में उनका फेस नहीं दिखाया गया था पर उनका नाम इस मूवी में अक्षय था और तब से उन्होंने अपना नाम राजीव भाटिया से अक्षय कुमार कर लिया था। वैसे मार्शल आर्ट का आइडिया अक्षय कुमार को तब आया जब एक लड़का हर रोज उनके घर के पास शो ऑफ करता था। इवन मार्शल आर्ट सीखने के लिए ही अक्षय कुमार बैंकॉक शिफ्ट हुए थे। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार को टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट जीतने के लिए तकरीबन 6 साल तक का वक्त लगा था। अक्षय कुमार की लव लाइफ भी बहुत नोटी रही है। सबसे पहले वो करियर की स्टार्टिंग में पूजा बत्रा के साथ रिलेशन में आए और उसके बाद उनका नाम आयशा जुल्का के साथ जुड़ा। मोहरा मूवी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच भी नजदीकियां बढ़ गई थी और ये भी माना जाता है कि दोनों ने एंगेजमेंट तक कर ली थी, पर रवीना के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद अक्षय कुमार का नाम शिल्पा शेट्टी से जुड़ा और उसके बाद ट्विंकल खन्ना के साथ भी, और आखिर उन्होंने ट्विंकल खन्ना से शादी भी की। पर शादी के बाद भी अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे के करीब आ गए थे, पर जब ट्विंकल को इस बात का पता चला तब अक्षय कुमार ने खुद को कंट्रोल किया और सुधर गए। खिलाड़ियों के खिलाड़ी मूवी में अक्षय कुमार अंडरटेकर से लड़ते हैं जिनका रियल नेम ब्रायन ली है। हालांकि वो असली अंडरटेकर नहीं थे, पर आपको ये बात शायद ही पता होगी कि 1994 में ब्रायन ली और अंडरटेकर का रेसलिंग मैच एक्चुअल में हुआ था और खतरों के खिलाड़ी मूवी में अंडरटेकर को उठाते टाइम अक्षय की रीढ़ की हड्डी में काफी गहरी चोट लग गई थी जिसके लिए कई महीनों तक अक्षय कुमार का इलाज चला। और अक्षय कुमार को WWE बहुत पसंद है और जब 2010 में केन इंडिया आए थे तो अक्षय ने केन को अपने घर भी बुलाया था। अक्षय कुमार 2019 की फोर्ब लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के चौथे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, मतलब वो जैकी चैन से भी आगे हैं और फिलहाल ड्वेन जॉनसन, हेम्सवर्थ और टोनी शाक ही उनसे आगे हैं। अक्षय कुमार अभी तक तकरीबन 5 मूवीज में राज मल्होत्रा नाम का किरदार निभा चुके हैं, पर आपने ये बात शायद ही नोटिस की होगी। अक्षय कुमार की फेवरेट मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल है जो कि एक इटालियन मूवी है और अक्षय कुमार की कोई भी फेवरेट बॉलीवुड मूवी नहीं है। इसी के साथ साथ अक्षय कुमार का फेवरेट फूड जैपनीज फूड है, जैसे कि सुशी और मिशी सूप। उन्हें चॉकलेट केक और इंडियन मिठाइयां भी बहुत पसंद हैं।
इवन अक्षय कुमार को आज भी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे का लंगर बहुत पसंद है। बादीगर मूवी शाहरुख खान से पहले अक्षय कुमार को ऑफर की गई थी, पर उन्होंने ये रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका करियर नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर स्टार्ट हो, जिसके लिए उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था। इवन अक्षय कुमार रेस और भाग मिल्खा भाग की भी पहली चॉइस थे, पर उन्होंने ये मूवीज करने से भी मना कर दिया था, जिनका अफसोस उन्हें आज भी है। अक्षय कुमार को मूवीज में नेवी और आर्मी के किरदार निभाना बहुत पसंद है और उनका कहना है कि अगर वो आज एक्टर ना होते तो डेफिनेटली आज वो नेवी में और या फिर आर्मी में होते। इवन अक्षय कुमार शहीद हुए जवानों के लिए हमेशा से कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए वो एक वेबसाइट बनाना चाहते थे ताकि जवानों की फैमिली की हेल्प की जा सके। और अक्षय कुमार के इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने शहीदों के परिवार के लिए भारत के वीर नाम की एक वेबसाइट बनाई और अक्षय कुमार ने भी इस वेबसाइट को बनवाने में हेल्प की थी, जिसमें कोई भी शहीदों के परिवार के लिए पैसे डोनेट कर सकता है। और अक्षय कुमार की हॉलीडे मूवी जो कि आर्मी बेस्ड है, वो एक तमिल मूवी थपक्की का रीमेक है। और अक्षय को स्लीपर सेल वाला कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया था कि उन्होंने डायरेक्टर AR मुरुगडोस से तमिल मूवी बनने से पहले ही इस मूवी के स्टोरी लाइन के कॉपीराइट्स पहले ही परचेज कर लिए थे। एक्टर बनने से पहले अक्षय कुमार कोलकाता की ट्रैवलिंग एजेंसी में काम किया करते थे और उसके बाद वो ढाका के होटल में काम किया करते थे। उसके बाद वो बैंकॉक शिफ्ट हो गए और वहाँ भी उन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया। बैंकॉक से इंडिया वापस आने पर अक्षय कुमार ज्वेलर बन गए थे और ऐसे में वो मुंबई से सोना खरीद कर दिल्ली में लाकर बेच दिया करते थे। और उसके बाद अक्षय कुमार बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। इवन अक्षय कुमार ने फोटोग्राफर जय सेठ के लिए लाइट मैन का भी काम किया है। अक्षय के एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट के डैड ने उन्हें एक बार फर्नीचर शूट के लिए अप्रोच किया, जिसके लिए उन्हें उस टाइम पर 5,000 रुपए मिले। जहां अक्षय पूरे महीने में पूरे 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते थे, वहीं शूट में उन्हें 1-2 घंटे में ही 5,000 रुपए मिल रहे थे। तो ऐसे उनका इंटरेस्ट मॉडलिंग में कन्वर्ट होने लगा। मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए अक्षय को अपना एडवर्टीजमेंट शूट करना था, पर उस टाइम पर अक्षय स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ऐसे में वो अच्छे बैकग्राउंड वाले बड़े घरों की दीवारों के पास जाते और वहां फोटो शूट करते। और एक बार उन्हें वॉचमैन ने भी भगा दिया था और फ्यूचर में 10 साल बाद उन्होंने उसी वॉचमैन वाले घर के साथ वाला घर खरीद लिया था। ऐसे ही फोटोशूट के दौरान जब अक्षय मूवीज के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तब अक्षय को पता चला कि राजेश खन्ना एक नए चेहरे की तलाश में है। और ऐसे में अक्षय उनके ऑफिस पहुंच गए। हालांकि तब उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से नहीं हुई थी, पर तब उनकी मुलाकात मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र सिंह से हुई और उन्होंने ही अक्षय को फिल्म डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती से मिलवाया था, जिसके बाद अक्षय ने अपनी पहली मूवी दीदार शूट की। और फिलहाल नरेंद्र सिंह अक्षय कुमार के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। पर अक्षय कुमार की पहली रिलीज मूवी दीदार नहीं सौगंध थी, जो कि किन्हीं रीजंस के चलते डिले हो गई थी। अक्षय कुमार को शूज का बहुत शौक है और उनके पास ट्विंकल खन्ना के शूज और सैंडल्स मिलाकर उनसे 2 गुना ज्यादा शूज हैं। अक्षय कुमार फिटनेस फ्रीक है और इसी के चलते वो शराब नहीं पीते, पर एक बार जब उन्हें सिग्नेचर प्रीमियम के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने वो ऐड किया था और उसके बाद ऐड की फीस में से 50% हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर दिया था। हम्बल एंड स्मार्ट मूव। ब्लू मूवी की अंडरवाटर शूटिंग के टाइम अक्षय कुमार के सर पर गहरी चोट लग गई थी और उसके बाद उनके सर से बुरी तरह से खून निकलने लगा और वहां आसपास शार्क्स भी थी जो कि खून को कई किलोमीटर दूरी से भी भांप लेती हैं। और अगर उस दिन अक्षय कुमार को उनका क्रू उन्हें पानी से बाहर नहीं निकालता तो शायद अक्षय कुमार आज हमारे बीच नहीं होते। अक्षय कुमार को खिलाड़ी बोलने के भी 2 रीजंस हैं। पहला, वो बहुत सारे स्टंट्स खुद करते हैं और दूसरा, उन्होंने तकरीबन 8 ऐसी मूवीज में एक्टिंग की है जिनके टाइटल में खिलाड़ी वर्ड आता हो। अक्षय कुमार अपनी पहली चीजों से भी बहुत प्यार करते हैं और उनके पास आज भी उनकी पहली मोटरसाइकिल
और पहली कार है। अक्षय कुमार ने अपनी बॉडी पर अपने बेटे आरव, अपनी बेटी और अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना के नाम का टैटू भी बनवाया हुआ है और आपने इस बात पर शायद ही गौर किया होगा। कैरेक्टर ढीला सोंग पहले अक्षय कुमार की मूवी खट्टा मीठा से आने वाला था, पर उसके बाद अक्षय को ये सोंग मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं लगा तो उसे शूटिंग से ठीक पहले मूवी की प्लेलिस्ट से निकाल दिया गया। एक्टर बनने से पहले जब अक्षय कुमार बैंकॉक में थे तब उनके कमरे की दीवार पर तीन लोगों के पोस्टर लगे थे, पहले श्रीदेवी, दूसरे जैकी चैन और तीसरे सिल्वर सिस्टलोन। और मजे की बात यह है कि श्रीदेवी और सिल्वर सिस्टलोन के साथ उन्होंने मूवी में काम किया है और जैकी चैन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अक्षय कुमार आज भी अपनी मूवीज थिएटर में जाकर देखते हैं। जी हाँ, ये सच है, अगर वो मुंबई में हो तब तो वो जरूर जाते हैं। अक्षय कुमार आज भी गर्ल्स को फ्री सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं और उनका मुंबई में एक मार्शल आर्ट स्कूल भी है जिसमें उन्होंने आज तक 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। सिंह इज ब्लिंक की शूटिंग के टाइम जब अक्षय कुमार पंजाब के एक पिंड में पहुंचे तब उन्होंने पाया कि वहां के लोग इतने गरीब थे कि उन्होंने अपने घर तक को पेंट नहीं किया हुआ था और तब अक्षय ने सभी घरों को पेंट करवाया था। तो ये थे अक्षय कुमार और उनसे जुड़े हुए 25 अमेजिंग फैक्ट। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर।